नमस्कार, मैं हूँ ओम प्रकाश नाजवानी। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। शहर को राहत देने के लिए मुख्य मार्ग की सड़क का कार्य शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि विधायक द्वारा जहां अक्टूबर माह के अंदर पूरे मानसून समाप्त होने के बाद मुख्य मार्ग की सड़कों का काम शुरू होना था, तो आपको बता दें कि यहां पर दोनों ही साइड के अंदर सिवरेज और पीएचडी द्वारा रोड कार्य का कार्य यहाँ शुरू हो चुका है। लगातार दूसरा दिन है आज यहाँ पर विधायक की उपस्थिति के अंदर जो है यहाँ ये कार्य शुरू किया। और हमारे यहाँ कुछ एजेंसी भी हमारे साथ में सिवरेज के द्वारा जो यहाँ कार्य किया जा रहा है, इनसे भी बात करने। सर नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? प्रकाश पटेल। प्रकाश जी पटेल सर, तो ये जो है अभी पूरा सिवरेज की ओर से सारा काम हो रहा है, सिंगल साइड सर? हाँ, सिवरेज की ओर से हो रहा है जी। कितने मीटर की रोड है सर ये? 6 मीटर की रोड है। अच्छा अच्छा, और कल कहाँ से कहाँ तक रोड बनी थी सर ये? कल अपने मस्जिद से लेके बालाजी मंदिर तक बनी थी। जी जी जी। और आज अपन मस्जिद से लेके स्वस्तिक टायर तक बनाएंगे। जी 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 जी। और कल आप यहीं उपस्थित थे? हाँ, कल यहीं उपस्थित। कल कौन कौन था आपके साथ यहाँ उपस्थित? कल विधायक भी थे जी, सुरेश टाक जी, और आयुक्त मैडम भी थे, गीता वर्मा जी, और हमारे इंजीनियर स्टाफ भी थे, नगर पालिका के इंजीनियर स्टाफ भी सब थे। कुमावत जी थे, एक सीएन साहब, संदीप जी थे, एएन साहब जी, और जेएन थे नवीन जी 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 जी। और सबकी उपस्थिति में पूरी गुणवत्ता चेक करके जी जी पूरा कार्य किया जा रहा है। मतलब पूरे एक शहर को अच्छी राहत मिलेगी इस रोड से। और ये कार्य जो है आज तो भी आप स्वस्तिक टायर तक कर रहे हैं, फिर कल कहाँ से कहाँ तक होगा ये? कल अपना स्वस्तिक टायर से लेके पुराने बस स्टैंड तक होगा। पुराने बस स्टैंड तक होगा। तो ये यहाँ पर हालात है कि आप देख पा रहे हैं, लगातार दूसरे दिन शहर को राहत मिलने वाली है कि दीपावली का पर्व आने वाला है। और दीपावली के पर्व पर जहाँ लोग आए दिन सोशल मीडिया पर कमेंट डाल रहे थे कि यहाँ गड्ढे हो रहे हैं, चलने फिरने में भी असुविधा हो रही है, वहीं सीधे सीधे प्रयास के रूप में सिवरेज द्वारा अभी सिंगल साइड 6 मीटर की रोड का कार्य शुरू हो चुका है, जो कार्य लगातार पहले जो है कल मस्जिद से लेके बालाजी मंदिर और आज मस्जिद से लेके यहाँ स्वास्थ्य कार्य तक, मतलब बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड की ओर अनवरत कार्य जारी है। और विधायक सुरेश टाक की मौजूदगी में आपको बता दें कि कल लगातार मॉनिटरिंग की गई है विधायक सुरेश टाक द्वारा। सुबह 5 बजे तक विधायक यहीं थे और उनकी उपस्थिति पूरी मॉनिटरिंग के अंदर गुणवत्ता के साथ में इस रोड का पूरा निर्माण हो रहा है। मुख्य मार्ग के सड़क निर्माण के अंदर नगर परिषद से हमारे साथ अयन संदीप कुमार जी भी बने हुए हैं, तो इनसे भी जानते हैं कि जो है ये पूरे रोड का निर्माण कल और आज में कहां से कहां तक हुआ था, रोड की गुणवत्ता को लेकर भी जो है आज इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले तो आपका पूरा शुभ नाम? संदीप कुमार, ये नगर परिषद के संगठन। जी जी जी। तो थोड़ा सा आज ये बताइए कि एक साइड जो आज ये कार्य चल रहा है, तो ये कल कहाँ से कहाँ तक हुआ था और आज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? कल बालाजी मंदिर से लेके मेन चौराहे तक ये काम किया गया जी, और आज नेक्स्ट आगे जो मेन चौराहे से लेके से और आगे तक जितना हमारे मशीनरी जहाँ तक आ जाए पूरी रात में वहाँ करने की कोशिश किया जा रहा है। जी जी। और जहाँ तक अभी लग रहा है कि रोड की गुणवत्ता काफी अच्छी है, तो क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी है लॉन्ग टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूरेबिलिटी के अनुसार है इसकी। जितनी टाइम की हमारे DLV होती है उसके अनुसार बकायदा पुख्ता बनाया जा रहा है। जी जी। जो एज पर हमारे शेड्यूल में है उसके अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक कार्य किया जा रहा है। जी जी। और ये क्या बारिश वगैरह के पानी से भी नुकसान हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, प्योर कैम्बर में है, कैम्बर दिया गया, स्लोप में पानी रुकने का कोई चांस ही नहीं है जी। उस हिसाब से बिल्कुल गुणवत्ता के ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। जी जी। और आज आला अधिकारी कौन कौन उपस्थित है सर? आज यहाँ हमारे CM साहब भी है, हमारे कमिश्नर मैडम है जी, ये सारे हैं, अपने विधायक साहब भी आए हुए हैं, तो सारे के देख रेख में काम किया जाए। जी जी। आयुक्त महोदय सीताजी वर्मा ने कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए आज? हाँ, वो गुणवत्ता को लेके वो बोले कि काम सही से होना चाहिए। जी जी। और विधायक महोदय? वो भी बिल्कुल प्रॉपर इस काम को देख के और उसी हिसाब से काम कराने के लिए तत्पर है। जी जी जी। तो लगातार आपने देखा कि यहाँ पर सब आला अधिकारी, नगर परिषद से भी अधिकारी महोदय, इसके साथ साथ में आयुक्त महोदय और विधायक महोदय, और साथ में कई पार्षदगण और यहाँ के किशनगढ़ के जो नेता है, सभी लोग भी यहाँ उपस्थित थे। मैं एक छोटा सा सवाल था कि किशनगढ़ के अंदर अच्छा कार्य हो, अच्छे कार्य को लेकर यहाँ सभी लोगों की उपस्थिति बनी हुई है। आप देख पा रहे हैं रात्रि समय अभी जो है लगभग 1:30 बज रहा है, और आज भी लगातार सभी लोगों की उपस्थिति में यहाँ पर रोड का अनवरत काम जारी है। और दीपावली पे उम्मीद करते हैं कि सभी लोग जहाँ पर गड्ढों से परेशान थे, धूल मिट्टी से परेशान थे, सभी को राहत मिलेगी। लगातार बने रहिए आप आगाज की आवाज चैनल के साथ। मैं ओम प्रकाश नाजवानी।